नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी सीटी एग्जाम दे चुके हैं लेकिन अभी ये सवाल बनता है कि अब आखिर क्या करें, तो आपको मैं बता दूं कि सीटी के बाद में अभी सबसे बड़े दो ऑप्शन आपके सामने, एक पटवारी और एक वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। पटवारी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, जाकर चेक कर लीजिएगा। स्क्रीन के लास्ट में भी आपको जो वीडियो एंड होगा वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, सुनिएगा, अब सवाल आता है, सर वीडियो की तैयारी कैसे क्या करें, कितनी पोस्ट आएगी, ठीक है, क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एग्जाम कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, ये सभी चीज़ों को लेकर के आपको क्लियर करने वाला हूँ। एक एक चीज़ को पहले इसको समझ करके चलिएगा। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती कब तक आएगी, कितनी पोस्टों के ऊपर आएगी, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि वीडियो यानी कि पहले ये जो इसे ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे क्या बोला जाता है, ग्राम विकास अधिकारी बोला जाता है। ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट कितने पोस्ट के ऊपर आएगी, तो मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है, ठीक है, वीडियो 2025 के नाम से जानी जाएगी। ये जो भर्ती है आपकी कितनी पोस्ट के ऊपर आएगी, तो ये पोस्ट आपकी 2000 प्लस पोस्टों के ऊपर आएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये 1800 के आसपास भी देखने को मिल जाए, लेकिन ये 2000 प्लस जाते जाते 3000 के पास, यानी ये कंप्लीट आपकी 2500 से 3000 पोस्ट के ऊपर होगी। इस चीज़ को भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपको याद रहेगा कि उमेश सर ने ये बात बोली थी। योग्यता क्या चाहिएगी, तो इसके लिए योग्यता आपको सीटी स्नातक, मतलब स्नातक वाली सीटी पास है तो ऑलरेडी आप स्नातक हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी चाहिएगी आपको, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से आप तैयारी कैसे क्या कर सकते हैं, इसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वैसे मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अंदर आपका वो ही राजस्थान जीके, ठीक है, राजस्थान जीके के बाद में आपका इंडिया जीके के बाद में आपका रीजनिंग, ठीक है, मैथ और कंप्यूटर, ये मोस्ट जो है ये टॉपिक होते हैं। इसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, ये मैंने मेन मेन आपको टॉपिक बताए हैं जो जिन सब्जेक्ट से आपका पेपर बनता है, ठीक है। ये आपका टोटल इस तरीके से आपका अलग अलग पैटर्न के ऊपर पूरे तरीके से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे इन इन सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। सर हम अभी से तैयारी करना चाहे तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा पहले इसके लिए समझ लीजिए, इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी आप चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने एक पटवारी वाला कोर्स लॉन्च किया, जो आपका अलग अलग पैसा ना लगे, तो पटवारी और वीडियो में, ठीक है, बहुत सी चीज़ें कॉमन है, 90% सिलेबस कॉमन है। कुछ टॉपिक मैथ रीजनिंग के अलग हैं, वो आपको जब आपका वीडियो कोर्स अलग से वो लॉन्च होगा तो आप चाहे तो उसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे से, उसमें जाना आपके लिए फ्री रहेगा। जो वीडियो लेना चाहते हैं तो वो आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। पटवारी और वीडियो दोनों के नाम से ही ये कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि अभी 1499 रुपये के अंदर है, तो आप एक साथ दोनों तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको बेवकूफ़ बनाना हो तो लोग आपको एक ही चीज़ को दो बार भी बेच सकते हैं, लेकिन वो काम मुझे करना है, आप एक ही तैयारी में दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है गाइज। इसके लिए प्रॉपर ये आपकी पटवारी और वीडियो एग्जाम तक ये अपडेट होता रहेगा, सबसे खासियत यही है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि सर इसको लेकर के नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो मैंने पटवारी वाले वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर की थी कि इसके नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले क्या जरूरी होगा कि इसका रिजल्ट आना, अभ्यर्थना हालांकि आ चुकी है बोर्ड के पास में, सीईटी का रिजल्ट। अब सीईटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जनवरी 15 के आसपास, यानी जनवरी मिड तक इसका नोटिफिकेशन आपको सीईटी का रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अभी आज भी अध्यक्ष साहब का ट्वीट आया तो उसमें ये बताया था कि 2 से 3 महीने में किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आता है। तो इस हिसाब से ये सितंबर लास्ट यानी 29 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मान लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी मान के चलता हूँ, तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी 1 मिड तक ये आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ पटवारी और वीडियो दोनों के साथ में आपको नोटिफिकेशन है वो आपको फरवरी से मार्च में देखने को मिल सकता है, फरवरी से मार्च में देखने को मिल सकता है। ये भर्ती दोनों साथ के साथ ही कंप्लीट होगी। ये अगर एग्ज़ाम की बात करूँ सर, इसकी एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, देखिए पटवारी और वीडियो दोनों के एग्ज़ाम है ना, पटवारी और जो वीडियो है, इन दोनों के एग्ज़ाम चांसेज हैं, ये दोनों के एग्ज़ाम हैं आपको जून से जुलाई 2025 के आसपास। हो सकता है दोनों में एक आगे एक पीछे ऐसे हो सकती है, इस हिसाब से इसकी एग्जाम भी हो सकती है ये जून जुलाई के अंदर। इसीलिए बाकी RSMSSP का जल्द ही कैलेंडर आने वाला है, उसमें सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो जल्दी। इसके लिए आपका जो वीडियो के लिए ग्राम विकास अधिकारी के लिए आपका एक फुल वीडियो कोर्स
फुल वीडियो कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, जो कि आपका कब लॉन्च होगा सर? ये 3 अक्टूबर 2024 को भी लॉन्च हो जाएगा, जिसके लिए भी अगर आप चाहें तो इस कोर्स के लिए भी अगर आप एनरोल करना चाहें तो आप इस नंबर पर 7733943243 पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अभी ये जो आपका कोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है ना सर, इसमें वीडियो कोर्स नहीं है क्या? इसके अंदर आपका पीडीएफ पैटर्न तो है ही है, इसके अंदर वीडियो कोर्स भी है, जैसे रीजनिंग मोस्ट प्रॉपर रहती है इसके अंदर, इसी के साथ में राजस्थान इंडिया इंटरनेशनल करंट अफेयर लाइव प्लस रिकॉर्डेड, रीजनिंग लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ये सब कुछ अवेलेबल है ओनली 1499 में। टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, इसी के साथ में कॉम्बो टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी जा करके नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, जा करके विजिट कर लीजिए कोर्स को, आप प्रॉपर तरीके से आपके एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। तो अभी के लिए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि जल्द एक नई गुड न्यूज़ के साथ में हम फिर से मिलेंगे, ठीक है? इसकी प्रॉपर क्लासेज आपको ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ, और हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी टेंशन हो लाइफ में सारी टेंशन छोड़कर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, और हाँ, बताते रहिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।